गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं कभी लाइव नहीं आता था, लेकिन आज मैं आपके सामने लाइव आया हूँ, क्योंकि हमारे समाज में एक बहुत बड़ा विडंबना चल रहा है और बच्चों के बीच बहुत बड़ा अंधविश्वास जगा हुआ है, उसी को लेकर मैं आपके सामने आ जाया हूँ। अभी सभी छात्र मैट्रिक पास किए हुए, अच्छे अच्छे अंकों से पास किए, पास करने के बाद वे सभी छात्रगण जो छात्र हैं छात्राएं हैं वे सब लोग अप्लाई कर रहे हैं 11th में एडमिशन के लिए, और नामांकन को लेकर के काफी उह-पुह मची हुई है, काफी विडंबना मची हुई है कि किस विषय से हम नामांकन कराएं आईएससी में। और कुछ टीचर बच्चों को गलत सलाह दे रहे हैं नामांकन कराने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके सामने आऊं और बताऊं कि हमें किस विषय से नामांकन कराना ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि हमें अपने बच्चों का, यदि हम गार्जियन हैं तो हम बच्चों का नामांकन किस विषय से कराएं, और यदि हम खुद छात्र हैं तो इस बात को जान लें कि हमें किस विषय से नामांकन कराना चाहिए, और नामांकन कराने में कहीं कोई गलती ना करें, और कभी वैसे शिक्षक से सलाह ना लें जो खुद असफल हैं और आपको असफलता का पाठ पढ़ा रहे हैं। शायद आपको आगे चलकर पछताना पड़ जाए, और उस समय आप पछताकर ही क्या कीजिएगा जब इस समय आपसे भूल हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस विषय से नामांकन आईएससी में कराना चाहिए, और कौन सा विषय आपके लिए बेटर रहेगा, और कौन सा विषय आप लेंगे तो आगे फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे। इस बात को क्लियर कर लेना ज्यादा बेटर है, क्योंकि आज जब मैं क्लास ले रहा था तो क्लास में कुछ बच्चियां बोली कि सर मैं बायो से एडमिशन करा रहा हूं, और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर मैं मैथ से करा रहा हूं, तो कुछ तो बोल रहे थे कि मैं दोनों ले रहा हूं, क्योंकि फलाने सर ने बताए हैं कि दोनों लेना, बायो से एडमिशन करा लेना और मैथ एक्स्ट्रा ले लेना। तो मैंने सोचा कि इस बात को क्लियर करने की जरूरत है। छात्रों, आप बिल्कुल इस बात को सही तरीका से समझ आइए कि यदि आप दोनों विषय ले रहे हैं, यदि आप बायो भी ले रहे हैं 12th में और मैथ भी ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल क्लियर इस बात को समझ लीजिए कि आपकी रिजल्ट बेहतर नहीं हो पाएगी और आप फ्यूचर में बढ़िया नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो छात्र एक विषय पढ़ेंगे वो आपसे कहीं ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, और जो छात्र दोनों विषय पढ़ेगा निश्चित रूप से बढ़िया नहीं कर पाएगा। तो पता नहीं कौन से टीचर आपको ऐसे सलाह देते हैं कि दोनों ले लो, मैथ से एडमिशन, बायो से एडमिशन करा लो और मैथ एक्स्ट्रा ले लो, ऐसा क्यों कहते हैं मैं नहीं समझ पाता हूं। आप आगे सोचिए, आप खुद सोचिए, अनुमान लगाइए कि यदि आप मैथ से बायो से एडमिशन कराए, मैथ एक्स्ट्रा ले लिए, और कोई बच्चा सिर्फ एक विषय मैथ पढ़ता है, तो क्या आपसे बेटर नहीं करेगा? आप दोनों विषय पढ़िएगा और वह अकेले पढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने दोनों विषय ले लिया तो आपका रिजल्ट दोनों विषयों से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। किसी एक विषय से आपका रिजल्ट होता है तो फिर मैं क्यों दोनों विषय लूं? दूसरी बात यह है, यदि आप सोच रहे हैं कि मैं दोनों विषय को पढ़ करके आगे कुछ अच्छा कर पाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फ्रेश बायो रहना चाहिए, यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो फ्रेश मैथमेटिक्स होना चाहिए, लेकिन दोनों ले लिए तो क्या बनेंगे, ना तो डॉक्टर ना इंजीनियर, बीच में लटक जाएंगे। तो वो टीचर क्यों आपको सलाह दे रहे हैं कि दोनों ले लो? क्योंकि वो बर्बाद करना चाहते हैं, वो तो खुद कुछ नहीं किए और आपको भी कुछ करने देना नहीं चाहते, और गधा बनाते हैं आपको। आप कभी सोचिए कि यदि आप दोनों विषय ले लिए तो आप क्या कीजिएगा? आप मैथ और बायो दोनों ले लिए तो आप क्या कीजिएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यदि इस प्रश्न का उत्तर आपके पास हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप क्या करेंगे बायो और मैथ दोनों ले लिए तो। क्या वे लोग मूर्ख हैं जो पटना छपरा जैसे शहरों में पढ़ते हैं, पटना पढ़ते हैं? पटना जाकर आप देखिए, एक भी विद्यार्थी आपको नहीं मिलेगा जो बायो से एडमिशन कराया हो और मैथ एक्स्ट्रा में ले लिया हो, क्योंकि उसको अपना फ्यूचर दिखाई देता है। वो या तो इंजीनियर बनने की ख्वाब रखा है या डॉक्टर बनने की ख्वाब रखा है। जिसने डॉक्टर बनने की ख्वाब रखा वह बायो से पढ़ रहा है और दिन रात मेहनत कर रहा है, और जिसने मैथ
मैथ लिया और जो सोच लिया कि मैं इंजीनियर बनूंगा, उस मैथ लेकर दिन रात मैथ पढ़ रहा है और इंजीनियर बनने का ख्वाब रखा है, और आपने दोनों ले लिया, आप क्या बनेंगे, डॉक्टर या इंजीनियर? कुछ नहीं बनेंगे, आप सिर्फ शादी करेंगे और कुछ होने वाला नहीं, यानी आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। वे टीचर जो सलाह देते हैं कि बायो से ले लो, आप मैथ एक्स्ट्रा कर लो, वो तो खुद नहीं कुछ किए, आपको भी कुछ करने देना नहीं चाहते हैं। अतः मैं आपको सलाह दूंगा कि कोई एक विषय लीजिए, या तो मैथ लीजिए या बायो लीजिए, और जी जान लगा दीजिए उस विषय में और बढ़िया से पढ़िए, ताकि आपका रिजल्ट बढ़िया आए और आप फ्यूचर में कुछ बढ़िया कर पाए। क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में सोचिए, यह मैट्रिक इंटर कुछ होता होता नहीं है। बिहार सरकार का नीति आप देख ही रहे हैं, यहां तो फेल वाले को सेकंड और फर्स्ट दे दिया जाता है और थर्ड वाले थर्ड रह जाते हैं। तो बिहार सरकार के रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, आपको सोचना चाहिए आपके फ्यूचर के बारे में। अपने खुद के फ्यूचर को देखिए कि आपको क्या करना है। आप कुछ बनना चाहते हैं तो कोई एक विषय लेकर ही पढ़िए, या तो मैथ लीजिए या बायो लीजिए, कोई भी विषय साइंस में बेकार नहीं है, खराब नहीं है। मैथ जितना बेटर है उतना ही बेटर बायोलॉजी है, बशर्ते ये है कि दोनों को अच्छा से पढ़ा जाए। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि तरैया प्रखंड के अंदर रहने वाले शिक्षक ऐसा क्यों सलाह दे रहे हैं। ऐसा इसलिए सलाह देते हैं कि उनके कोचिंग में ज्यादा भीड़ हो, जैसे मैं मैथ में पढ़ाऊं, मैथ के टीचर ना आए, बायोलॉजी की क्लास पढ़ ले, बच्चा खुश रहेगा। आप बायो का क्लास जैसे ना हो, मैथ पढ़ ले, बच्चा खुश रहेगा। बच्चे को फंसा कर उनके लाइफ से खिलवाड़ किया जा रहा है। अतः आप सोचें, अगर ऐसा होता तो शहर के बच्चे जो दिल्ली रहते हैं, जो इलाहाबाद रहते हैं, जो पटना रहते हैं, वे भी तो दोनों विषय लेते हैं, वहां के टीचर भी तो ऐसे सलाह देते हैं। क्या वहां के टीचर लोग मूर्ख हैं? और क्या सबसे विद्वान लोग यहीं बैठे हुए हैं जो उल्टा पल्टी बच्चों को सिखा रहे हैं? तो मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूंगा कि आपको एक विषय लीजिए और बढ़िया से पढ़िए और अच्छा कीजिए। यदि इसके बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा विषय बेटर होगा। एक और बात हम लोग चर्चा कर लें कि कुछ बच्चे के बारे में, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं आर्ट्स लूँ या साइंस लूँ, तो आप खुद से पूछिए कि आप आर्ट्स लीजिएगा कि साइंस लीजिएगा, क्योंकि साइंस भी बेकार खराब नहीं है और ना ही आर्ट खराब है। आर्ट से पढ़कर भी बढ़िया कर सकते हैं आप और साइंस से पढ़कर भी बढ़िया कर सकते हैं, बस आपके क्षमता पर डिपेंड करता है कि हाउ मच पावर यू हैव एंड व्हाट यू कैन डू इन योर लाइफ। सो यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट कैन यू डू। आप खुद के बारे में सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपका मन लगता है आर्ट्स विषय में तो आप आर्ट्स ही लीजिए, यदि आपका मन लगता है साइंस में तो आप साइंस ही लीजिए। किसी के दबाव में और देखा देखी कोई विषय मत लीजिए कि फलानवा बायोलॉजी ले रहा है तो हम भी ले लें, ऐसा कुछ नहीं होता। तो चलिए इसी विषय के साथ मैं आज विदा लेता हूं और फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्यारे साथियों।